नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का काम बिहार सरकार जोर शोर से कर रही है, जिसका प्रमाण अगर आप एक बार प्रमुख सड़कों की सैर पर निकलेंगे तो आपको समझ आएगा। इतना ही नहीं, जब आप एक जिले से दूसरे जिले में सफर करेंगे तो कितनी आरामदायक सफर आपने तय की और कितने कम समय में आप एक जिले से दूसरे जिले में पहुंच गए, इसको देखकर ही आप सड़कों के निर्माण में बिहार सरकार के काम को समझ जाएंगे। आज आलम कुछ यूं है कि जिन लोगों ने बरसों पहले अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिहार छोड़ा था, आज जब वो बिहार आते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं, वाह क्या सड़क है, जिससे सरकार भी अपने जज्बे को कायम रखते हुए इस दिशा में लगातार काम कर रही है। यही कारण है कि एक के बाद एक एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ ही बिहार में 4 नेशनल हाईवे भी इसी महीने से लोगों को मिलने वाले हैं, जिससे आवागमन तो सुगम होगा ही, साथ ही ऐसे 6 जिले हैं जहां से पटना आना अब और आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की माने तो बिहार के किसी भी कोने से लोग अपनी सवारी के माध्यम से महज 4 से 5 घंटे में ही राजधानी पटना पहुंच पाए। इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर कवायद लगातार की जा रही है। सीएम नीतीश का यह ड्रीम प्रोजेक्ट शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। बिहार में 4 राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण पूरा हो जाएगा। इन 4 नेशनल हाईवे में पटना बख्तियारपुर, छपरा गोपालगंज, फारबिसगंज से ICT जोगबन्नी सहित किशनगंज शहर में फ्लाईओवर भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना बख्तियारपुर NH-30 के निर्माण के लिए करीब 50 किलोमीटर की लंबाई के लिए लगभग 1172 करोड़ की योजना थी। इसका निर्माण 26 सितंबर 2011 से शुरू हुआ था और इसे 24 मार्च 2014 तक पूरा होना था, लेकिन यह समय सीमा 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। वहीं फारबिसगंज से ICP जोगबन्नी NH का काम भी अभी चल रहा है, जिस पर लगभग 247 करोड़ की लागत से 18 अप्रैल 2016 से फारबिसगंज से ICP जोगबन्नी NH 57A पेविड सोल्डर के साथ 2 लेन का निर्माण होना है। इसे पूरा करने की समय सीमा 17 अप्रैल 2018 थी, बाद में इसकी समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 तक कर दी गई थी। वहीं छपरा गोपालगंज NH 531 की 94 किलोमीटर की लंबी सड़क के निर्माण के लिए अब तक 642 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसका काम 7 दिसंबर 2015 से ही शुरू किया गया था, जिसके बाद इसे 6 दिसंबर 2017 तक बनकर तैयार होना था, लेकिन इसकी समय सीमा बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2021 तक कर दी गई थी। इन 3 नेशनल हाईवे के अलावा किशनगंज शहर में बन रहे फ्लाईओवर के समानांतर नए फ्लाईओवर का निर्माण होना है। 3.18 किलोमीटर की लंबाई में 129 करोड़ रुपए की लागत से 30 जून 2018 से इसका निर्माण शुरू हुआ था। इसे पूरा करने की समय सीमा 28 जून 2020 तक थी, बाद में इसे भी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 किया गया था। अब इसके भी तय समय पर पूरा होने की संभावना है, जिसके बाद अगर इन 4 राष्ट्रीय उच्च पथों के निर्माण कार्य का काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद पटना से पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सारण, गोपालगंज जैसे जिलों के लोग पटना महज 4 घंटे में पहुंच पाएंगे। इन सड़कों से बिहार के बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज और चंपारण क्षेत्र को फायदा होगा, जिससे बिहार वासियों का सफर और ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि सड़क खराब होने के कारण लोग रेल यात्रा का सहारा लेते थे, लेकिन अब बिहार के अंदर ही बिहार वासियों को एक क्लास सड़क व्यवस्था दिए जाने की तैयारी हो रही है, जिससे बिहार वासियों को तो सहूलियत होगी ही, साथ ही विकास के मामले में बिहार हर दिन नए कीर्तिमान को भी दर्ज करेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।